चलिए पांच पांच पॉइंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा और ये नईम खान हल्का हाथ लेकिन बाल पे सामने। अगर हमारी बात करना है तो कृपया मिस्टर प्रदीप फ्रॉम आजमगढ़ सिंपल सर्विस लेकिन इस बार खराब सर्विस नेट में उलझ कर रह गए कुछ कर न सके खिलाड़ी। सर्विस पर मिस्टर श्रेयांश फ्रॉम यूपी कॉलेज वाराणसी लेकिन ये देखिए हम किसी से कम नहीं तू डाल तो मैं पाक पा 100 रुपया से काम ना चली। टू अगेंस्ट वन सर्विस पर मिस्टर प्रदीप फ्रॉम आजमगढ़ अच्छी सर्विस गौरव ने संभाला और गौरव आए लेकिन संभाला गया नईम ने उछाला रजनीश के लिए लेकिन लंबा हैंड दे बैठे मिस्टर रजनीश। चलिए भाई पैर बचा है सही सलामत है और ये देखिए किसको लगी बम फूट रहा भैया बच करें दर्शक थोड़ा दूर हो जाए और हेलमेट लगा लें। दोनों तरफ से बिल्कुल आक्रमण हो रहा है अच्छी सर्विस प्रदीप की गौरव लेकिन खराब पास माज ने संभाला श्रेयांश के लिए छाली गई गेंद हवा में रजनीश और ये प्रदीप लेकिन वहां पे गौरव और फिर दिव्यांशु बड़ा चतुर चालाक खिलाड़ी है। कब किसके ऊपर कब कहां से आक्रमण हो जाए ये कोई नहीं जानता भी बिल्कुल तोप्पा बोला प्रदीप और ये वकास लेकिन संभाला गया गौरव ने लंबा खिलास किया प्रदीप आए और ये रजनीश लेकिन जॉइंट ब्लॉक के जरिए दबाया गया फिर से रजनीश और इस बार कामयाबियों ने कदम चूमा मिस्टर रजनीश का तो इस तरह से कामयाब हुआ मिस्टर रजनीश। सर्विस पर अच्छी सर्विस दिव्यांशु और ये चलती गेंद पर आजमाया है श्रेयांश को 4 बराबर का स्कोर तो 4 बराबर का स्कोर है। श्रेयांश डिफेंडेड बाई वकास और ये रजनीश लवली अटैक व्हाट अ ब्यूटीफुल अटैक बाय मिस्टर रजनीश कि अब और बढ़ने को है मेरे लहू की कीमत मेरा महबूब रंगे हिना मांगे है। आगे का आंखों का हाल सुनाने के लिए मनोहर साहब दर्शक अगर ताली बजाई तो गन्ना नहीं खुइया में से रस निकाल लिया। ये अंतिम मैच इस साल की इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच यूपी कॉलेज बनाम और यही है मैच ये है मां जी कोई देखा कोई देखबे नहीं किया 5 की सेवा 6 के लिए और 7-5 दो अंकों की बात एक तरफ से राउंड हैंड की जोरदार सर्विस लग रही है श्रेयांश जी की ओर से तो प्रदीप भाई हल्की सर्विस मार रहे हैं नाप तोल करके और नेट यहां पर लिया गया है यूपी कॉलेज का। इस प्रकार से बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ नेहरू क्लब आजमगढ़ 8 यूपी कॉलेज 5 और ब्लॉक के ऊपर से गेंद को दबा दिया और यहां पे कुछ फॉल्ट भी हो सकता है और लेकिन पॉइंट मिला है यूपी कॉलेज वाराणसी 6 आजमगढ़ 8। बहुत सुंदर बैकअप किया गया बाल को दर्शक ताली बजा रहे हैं और इस बार गेंद नहीं उठी 7-8 यहां पर स्कोर जो टीम 2 सेट जीतेगी वह फाइनल मुकाबले के प्रथम विजेता के रूप में रहेगी। पर स्ट्रेंथ का अच्छा यहां पर डिफेंस घूमकर बाल को मारे हैं मजबूत कद काठी के खिलाड़ी और देखने को मिल रहा हुआ दोनों टीमों में आउट चली गई बाल एक अंक से पूरा मिलता हुआ यूपी कॉलेज 9 की सेवा 8 के लिए। हाई लिफ्ट यहां पर लिए और काफी दूर से बाल को बाल गया है यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन अभी विध्वंस जारी है गेंद हवा में दर्शक ताली बजाते बहुत अच्छा मैच चलता हुआ अब ताली बजाइएगा बहुत लेकिन इस बार उनके सामने चट्टान
और इसी के साथ डबल अंकों में प्रवेश करता हुआ यूपी कॉलेज वाराणसी। और सुंदर प्रहार रजनी जी के लिए जोरदार तालियां। मैं जीतना है, हारने का दम नहीं है। जितनी भी प्रशंसा करें इस टूर्नामेंट में आपकी बहुत कम है। इस बार डबल टाइट पर मारे थे लेकिन ब्लॉक किया और बाल को उठाएगा अपना रजनी जी के लिए। फिर पूरा मौका देखने दिया रहा तो डबल आउट बाल, आउट बाल चली गई और 11-9। जोरदार सर्विस फिंगर्स रिसीव होता हुआ सेटर पॉइंट इस मैचर को उठाया और आउट चली गई और ब्लॉक आउट लिया गया यहां पर। इसके साथ यू नेहरू क्लब आजमगढ़ को अंक मिलता हुआ 10 की सर्विस, 11 के लिए हल्की सर्विस लगा रहे हैं प्रदीप जी। और उधर से राउंड एंड की सर्विस लग रही है और 11 भायल बवाल। ताली अपना बजे बाजा तक का बजे बाजा। और ब्लॉक के ऊपर से गेंद को निकाले हैं इस बार प्रियां जी और 12-11। और इधर प्रदीप जी का लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट, यहाँ पर काफी शांतिपूर्वक लड़ाई देखती है। यहाँ पर नईम जी है, नईम जी और रेस लगा रहे हैं, अपने हौसले को बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ से अणु बम तो दूसरे तरफ से परमाणु बम, लेकिन इस बार हल्का सा जीवाणु बम छोड़ते हैं थर्ड लाइन में कॉर्नर में गेंद गई। बीच बीच में अंग्रेजी में इसलिए हम लोग को बोलना पड़ रहा है ताकि दर्शक समझे कि कुछ पढ़े लिखे कमेंटेटर हैं। 13-8 भायल बवाल, भायल बवाल। ये कहावत हमारे महेंद्र भाई कहाँ करते थे जो आज दुनिया में नहीं है। यहाँ पर घूमकर मैच को मौका, लेकिन अच्छे खिलाड़ियों में अपने जमाने 90 के दशक में आप एनआर के सुपरस्टार खिलाड़ी थे, बैक स्पिनर थे, इनका मैच हम देख चुके हैं। एक यादगार पल, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एनआर का मैच चल रहा था, उठाएगा मौका इस बार लास्ट बॉल है ये, लेकिन 14-14 डिफरेंस अप टू। स्कोर बोर्ड पे कार्य कर रहे बच्चे काफी चौकन्ने हैं। दोनों टीमों के लिए मौका है, कौन सी टीम जीतेगी इसका कहना सुनना बेकार है, लेकिन अब लास्ट बॉल होगा, लास्ट बॉल नेहरू क्लब आजमगढ़ के लिए लास्ट बॉल। और देखिए नईम खान, नईम जी 15-15 फिर भायल बवाल। मैच किसी भी पक्ष में जा सकता है, जो टीम जरा सा भी लूज की और तुम्हें बताओ यहाँ पर, लेकिन सीधे 80 के स्पीड में आई तो 90 की स्पीड में रिटर्न हो गई बाल। और लास्ट बॉल 16-15-9 लास्ट बॉल। फ्रंट स्पेशर को अजमाया, हल्की कलाइयों का प्रयोग यहाँ पर रजनीश द्वारा। निश्चित तौर पर ये प्रभावशाली खिलाड़ी जरूर है, इनका काफी उम्दा प्रदर्शन है। दोनों टीमों के लिए जोरदार ताली। और अब देखिए यूपी कॉलेज के लिए लास्ट बॉल 17-16-9 लास्ट बॉल। तनी सुना हो, बीच बीच में एडवर्टाइज हम लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा आप लोग भी, कोई दर्शकों को भी एनर्जी मिल जाए। फाइनल नेहरू क्लब लास्ट बॉल और देखिए यहाँ पर सेटर की चला की दिव्यांशु जी, 2 अंक बुलाए हैं इस फाइनल मुकाबले में 9 नंबर के जो अब सर्विस के स्थान पे गए हैं। 17-17
डबलिंग का इशारा। फिर आजमगढ़ की ओर से गेम बॉल जा रही है, यूपी कॉलेज के लिए गेम बॉल है, लास्ट बॉल है। और देखिए ईट का जवाब पत्थर से देता हुआ खिलाड़ी 10 नंबर के श्रेयान जी और 18 बराबर। आप लोग स्कोर बढ़ाते रहिए, 18 आल। क्या मैच यहां पर चल रहा है। और देखिए एक तरफ से अणु बम तो दूसरे तरफ परमाणु बम, एक तरफ गोले दागे जा रहे हैं तो दूसरे तरफ भाले। अच्छी सर्विस यहां पर 19-18 लास्ट बॉल है, ये मौका है मिला है इस बार। पहला सेट नेहरू क्लब आजमगढ़ जीत गया।